हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69 की एडिशन को लेकर के है। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है। यदि हम सेक्शन 69 की सोल देखें तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर ये कहना चाहता है कि यदि एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स की है जिसका सोर्स एसएससी नहीं बता पाता तो एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर एसएससी से कोई ऐसी गलती हो जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में जो सेल डीड हुई, उस सेल डीड के अंदर जो कंसिडरेशन थी वो एसएससी ने एट द टाइम ऑफ सेल डीड तक पेमेंट नहीं किया था, लेकिन उसकी पेमेंट एसएससी ने बाद में की थी और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने उसको सब्सटेंशिएट भी कर दिया था कि ये पेमेंट्स मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम में से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बाद में दी है। लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने ये माना कि सेल डीड करते वक्त यदि एसएससी ने पेमेंट नहीं की है तो जरूर ये पेमेंट एसएससी ने कैश में की होगी। तो क्या ऐसी परिस्थितियों के अंदर उस एडिशन की क्या मान्यता है, कितनी उसकी स्टैंडिंग है, यह चीज अहमदाबाद आईटीएटी की सी बेंच के सामने एक केस हाइफून फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ के केस में आई। ये केस 110 आईटीआर शॉर्ट नोट्स 37 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक लैंड परचेज की एक सेल डीड के थ्रू और उसकी पेमेंट जो है वो एसएससी ने बाद में की। जिससे लैंड परचेज किया था एसएससी ने, उससे एसएससी का बिजनेस रिलेशन था 2012 से लेकर के। परचेजर और सेलर के बीच में कोई डिस्प्यूट था। जब वो डिस्प्यूट सेटल हो गया तो जो भी पेमेंट थी परचेज की वो बैंकिंग चैनल्स के द्वारा बाद में पेमेंट कर दी गई। उसके बाद एसएससी ने अपनी जो सेल डीड थी उसका भी रेक्टिफिकेशन करा लिया, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के अंदर जो पेमेंट डिटेल थी वो ऑनर नहीं हुई थी और वो पेमेंट जो है वो बाद में हुई थी। तो एसएससी ने इतना तक स्टेप लिया कि जो सेल डीड थी उसके अंदर रेक्टिफिकेशन भी करा लिया गया था। इसके अलावा जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से इस सोर्स ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा तो एसएससी ने यह भी बताया कि एसएससी ने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए बैंक लोन लिया है और जिससे प्रॉपर्टी परचेज की है उसी ने मेरी बैंक में गारंटी भी दी है इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। जो एसएससी ने बैंक लोन लिया है उस बैंक लोन को लेने के लिए। इसके अलावा जो असेसिंग ऑफिसर था वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये साबित नहीं कर पाया कि एसएससी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पेमेंट की है वो कैश में की है। एसएससी के पास सारे जस्टिफिएबल रीजंस थे ये बताने के लिए कि जो लैंड परचेज की है एसएससी ने उसकी पेमेंट एसएससी ने इमीडिएट नहीं की एट द टाइम ऑफ द परचेज, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में की है। लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया, एडिशन किया। सीआईटी अपील ने भी ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने सारे फैक्टर्स के द्वारा ये साबित कर दिया है कि जो एसएससी ने पेमेंट की है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू की है। जो सेल डीड के अंदर पेमेंट इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैटर डिस्प्यूट में था, पेमेंट बाद में की गई। और इवन जो जिसने प्रॉपर्टी एसएससी को सेल की है उसने ही एसएससी की बैंक में गारंटी दी है उस बैंक का लोन लेने के लिए। फ्रेंड्स, काफी केसेस में यह देखा गया है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो असेसिंग ऑफिसर रनिंग टू द एसएससी फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की पॉलिसी अपनाते हैं। एसएससी अपने डॉक्यूमेंट्स देता रहता है और लास्ट में जाकर के किसी एक ऐसी रिक्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हैं जिसको कई बार तो एसएससी पहले ही ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर को दे चुका होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जो एसएससी उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो खाली एक या दो कारणों से एसएससी का एडिशन कर दिया जाता है।
बाकी सारे उन एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है जो एसएससी की ट्रांजेक्शन को सब्सटेंशिएट करते हैं। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी वेल बियॉन्ड द प्रूफ इस बात को प्रूव कर पाया है कि एसएससी ने वो पेमेंट बाद में दी है, तो खाली इस बिना पर कि प्रॉपर्टी को परचेज करते वक्त एसएससी ने प्रॉपर्टी की पेमेंट नहीं की है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि एसएससी ने वो पेमेंट कैश में कर दी है या वो पेमेंट अनडिस्क्लोज सोर्सेज से की है। तो प्रेजेंट केस में अहमदाबाद आईटीआईटी की सी बेंच ने एसएससी की जो सेक्शन 69 की एडिशन की गई थी उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है हाइफ़न फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 37 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।